और ये देखो प्योर बकरी। क्या बात है यार भाई, ये देखो भाई साहब सुबह सुबह मजा आ जाएगा भाई साहब। 10-12 किलो का बकरा लो, बिल्कुल आंखों के सामने बकरा देख लो और फिर उसकी सीरी लो, बिल्कुल लाहौरी भाई साहब पाकिस्तानी। ये जो चिपचिपा पानी होता है ना, इसी को सौंफ बोलते हैं और ये कैल्शियम होता है। तो भाई साहब ये बनके रेडी है, अपने पकने के बाद हर कस्टमर के पास यही कुकर जाता है। मजा आ जाएगा भाई। अरे भाई साहब खा के देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है। ओए होए 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 भाई, ये बकरे का पाया है, ये मुंह की बड़ाई नहीं है, खा के देखने। एक बजी ये तो भेज आ गया अपना। क्या बात है भाई विनोद भाई, ये देखो भाई ये चेक करें भाई साहब। होए 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 भाई, ये देखो रोटी भैया आ जाओ ग्रेवी भाई। हर वीडियो पे एक तो कमेंट आता है कि विनोद भैया की नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। भाई विनोद भैया क्या जादू कर दिया भाई साहब, जादू तो आप देख लो खुद ही भाई। आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं विनोद भैया, क्या बना रहे हो? आज सिरी पाए बनाएंगे भाई साहब के लिए। अच्छा। और अपने जो भी कस्टमर आते हैं वो भी पूछते हैं कि सिरी पाए बनाते हो या नहीं बनाते हो, कई के मन में डाउट है, तो आज भाई साहब बोल भी दिए। तो सबसे पहले अपन सिरी पाए लेने चलते हैं दोस्तों। भाई साहब की दुकान है, लोकेशन आपको बताई दी, कल बोर्ड आ जाएगा अपना। और ये देखो प्योर बकरी है। क्या बात है। और ये देखो कस्सी, अगर किसी को 5-6 किलो की जरूरत हो ना तो कस्सी बकरा भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। मतलब सवेरे फोन कर दो तो ये 5-6 किलो की कस्सी बकरा काम ले जाओ, सामने काट के दे देंगे आपको। मेरे पास आए तो यहीं से मीट लेके आओ, हर चीज़ की अपनी गारंटी होगी, बनाने की मीट की हर चीज़ की अपनी गारंटी होगी उनमें। कितने किलो का काटा भाई? 13 किलो का। 13 किलो का बकरा, क्या बात है। ये आ गए इसके पाए और ये आ गई सीरी। कितने किलो की बैठेगी ये? 2 किलो के करीब है। सिकाई करेंगे इसकी, सिकाई करके फिर कटिंग करके फिर बनाएंगे। चलो तो ये देखो भाई, इसकी बढ़िया वाली सफाई कर रहे हैं। अच्छा विनोद भाई, तो ये सीरी पाए पायों को कटवा देंगे साबुत रख दो? नहीं, इनको साबुत ही रखेंगे। अच्छा, जो ये पाए है ना, हाँ, इनमें केवल बीच में कट दुआएंगे। अच्छा, मसाला जाने के लिए, और बाकी इनको साबुत ही रखेंगे फिर। तो यार वो लाहौरी पाए बना रहे हो भाई? बिल्कुल। क्या बात है भाई साहब, तो भाई मजा आने वाला है। आज जगह बहुत खाए होंगे सिरी पाए, आज मैं खिलाऊंगा भाई साहब आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कटिंग भी मैं बताता हूँ इनकी। क्या बात है भाई, भाई बेहतरीन सिरी कटवाई आज उन्होंने, एक नंबर चीज भाई साहब, मजा आ जाएगा। ये देखो पाए, अरे बढ़िया तरीके से कटिंग कराई इनकी, मतलब मसाला जो अंदर तक है अंदर तक जाएगा और टॉप भी बाहर आएगा इसका। धुलाई कर रहे हैं इसकी, वैसे तो वहां पे बिल्कुल साफ पानी में इसकी मतलब सिकाई करके इसकी जो भी है जो कालापन था हटवा के फिर दोबारा वहीं पे साफ पानी से धुलाई करके लाए थे, फिर एक बार अपन यहाँ पे धो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिकाई करने से कड़ापन हो जाती है, तो इसलिए इसकी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर बनाते हैं सिरी पाए आज। ये देख लो सरसों का तेल, कच्ची दाणी भाई साहब, सरसों का तेल में बनाते हो आप, है ना? हाँ। ये देखो सिरी पाए के लिए साबुत मसाले लिए, काली मिर्च है, लौंग है और इलायची है। स्वाद अनुसार ये 3 ही आइटम डालेंगे इसके अंदर, गर्मी ना करे। बहुत बढ़िया भाई। ये देखो ये खड़े मसाले डाल दिए, गरम मसाले डालते तुरंत प्याज डाल दो, गरम मसाले जले ना। ये 2 किलो के हिसाब से कितना प्याज डाला आपने? इसके अंदर 150 ग्राम प्याज डाले हैं आज। मतलब 2 किलो सीधी में 150 ग्राम प्याज, 150 ग्राम प्याज डाले, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कम भी अच्छा नहीं। तो देखो भाई प्याज देख लो कितना साफ है यार एकदम। भाई विनोद भैया ना जो काम कर रहे हैं ना, इनकी दुकान चल गई मगर इन्होंने फिर भी क्वालिटी से ध्यान रख रहे हैं, ये चीज बहुत बढ़िया है। क्या बात है यार, क्या बनाया? ये मटन है आधा किलो। अरे भाई, किसी कस्टमर का? नहीं, कस्टमर का नहीं, अपने छोटे भाई का ही है ये। अच्छा अच्छा, वो बोला कि आज मैं जल्दी बना के खाऊंगा। 2-3 दिन हो गए उसको मीट खाए हुए, शाम को अपन को टाइम मिलता नहीं, थक जाते हैं, तो आज वो खुद के लिए पर्सनल आधा किलो मीट लेके आए भाई, और खुद बनाए के गया है वो। हाँ बिल्कुल, चाप नली लेके आया, 1-2 नली है और ये चाप है। ये देखो मुँह में पानी आ रहा है। बिल्कुल शैलेश भाई साहब आपको चेक कराएंगे, ये छोटे भाई का बना हुआ था ये। भाई ये देखो भाई साहब, सुबह सुबह मजा आ जाएगा भाई साहब। ओए 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 ओए,
विनोद भाई यार लो चेक करो भाई, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी। ओए होए 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 भाई मजा आ गया यार। सुनो भाई मस्त है यार। लो करो ये और देखो तीन पावे कस्टमर की। अरे भाई तो भाई ये चेक करो विनोद भाई के पास सुबह सुबह का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों, 12 बज रहे हैं और ये देख लो भीड़ भाई। भाई सबसे बड़ी बात ये है कुकर है ना आपकी टेबल पे जाएगा सीधे। ये देखो भाई साहब प्याज बिल्कुल बादामी रंग। हाँ जी अभी के अंदर डालते हैं अपन मसाला वगैरह। हाँ जी डालो। ये देखो हल्दी पाउडर बिल्कुल सादा डालेंगे अपन देसी बनाते हैं। अच्छा। ये मिर्ची है अपनी, ये धनिया पाउडर हो गया ठीक है, थोड़ा पानी डालते हैं। ये नमक है, ये भाई नमक आ गया स्वाद अनुसार। तो ये अपने सिरी पाए आ चुके हैं, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना ये क्या है विनोद भाई बहुत एक्सपर्ट है, ये चेक करो ये इन्होंने पूरा का पूरा है ना ये बड़ा इस तरह से रखा है, ये जो बकरे का जो पाया है ना इस तरह से रखा है कि आपको प्रॉपर खाने में मज़ा आए, ऐसे टाइम पास नहीं करना ना। ये देखो ये चेक करें भाई, ये आपने देखेंगे पाकिस्तानी वीडियोज़ में लाहौर में जो बनते हैं देखें लाहौरी पाए तो उस तरह से रखें, ये चेक करो भाई तो मतलब मज़ा आ जाएगा। और ये देखो बकरे की मुंडी, क्या बात है भाई। तो भाई ये आइटम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, विनोद ढाबा पे बस। ये देखो भाई कुकर खुलते चल रहे हैं, मटन बनता चल रहा है, ये देखो भाई आपके सामने लाइव चल रहा है भाई ये साहब, ये चेक करें भाई। ये देखो हर कुकर में अपना एक सामान निकलेगा, कभी भी आप आओ सब एक सामान निकलेगी सब। ये देखो अपने चेक करें भाई सारा सामान एक जैसा निकलता है, कोई सा कुकर खोल के देख लो, ये चेक करो, ये देखो भाई मज़ेदार यार। और धनिया दिल खोल के डालते हैं धनिया तो भाई, ये देखो अब ये कुकर लग गया, अब ये भी कस्टमर की टेबल पे जाएगा। ये देखो भाई साहब आपने जो मसाला डाले थे बिल्कुल एक पक चुका, ये देखो ग्रेवी। हाँ जी अब इसके अंदर दही डालते हैं। मलाई जैसी दही डालते बिल्कुल। ये देखो ये डाल दिए पूरी दही, थोड़ी देर इसको हिलाते हैं। विनोद भाई थोड़ा हमारी जनता को बताओ कि ये किस तरह के सिरी पाए लिए जाएं और कितने किलो के लिए जाएं, थोड़ा बताओ सिरी पाए के बारे। बिल्कुल भाई साहब सिरी पाए 10 से 12 किलो बकरे की सिरी हो उसको ज्यादा बोई अच्छी लगती है, बोई बढ़िया गुणगारी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है तो वो मतलब मज़ा नहीं आता उसको खाने में ना, उसमें सौंफ निकलता है। 10-12 किलो का बकरा लो बिल्कुल आंखों के सामने बकरा देख लो और फिर उसकी सीरी लो, बढ़िया उसकी सिकाई कराओ, बढ़िया ले जाओ। इसके फ़ायदे भी सुनो, अभी फ़ायदे होते हैं एक तो कैल्शियम की कैल्शियम बढ़िया मतलब शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़िया वो करती है और शरीर के अंदर मजबूती भी रहती है, सर्दी के अंदर सर्दी ना लगने के चांस बहुत कम होते हैं इसके, मतलब जो सिरी पाए अगर हफ्ते में एक दो बार खा लिया ना उसको तो सर्दी का नाम ही नहीं है। और जैसे कई की हड्डियाँ वगैरह ये टूट जाती है उसके अंदर भी बढ़िया कैल्शियम मतलब बहुत बढ़िया काम आती है जो इसके अंदर। ये देखो ये सिरी पाए होते हैं इनके अंदर ये जो चिपचिपा पानी होता है ना इसी को सौंफ बोलते हैं और ये कैल्शियम होता है, मतलब दवाई से कई गुना बढ़िया रहता है ये फायदे हैं इसके। आज तुम लाहौरी स्टाइल में बना रहे हो? बिल्कुल लाहौरी भाई साहब पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बनाएंगे आज बिल्कुल सीरी। ये अपना दही देखो बिल्कुल पक चुका जी, दानेदार ग्रेवी हो गई बिल्कुल। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का दोनों पेस्ट डालते हैं। डालिए भैया। ये देखो क्या बात है। और ये अपने सीक्रेट मसाले हैं भाई, ये मसाले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई के बहुत तगड़े हैं, मतलब लिटरली मैं आपको कह दूंगा इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, अगर ये किसी भी मटन डिश में डल गए ना भाई मैं सही बता रहा हूँ तुम खेल जाओगे भाई, इतना तगड़ा मसाला है। चलो भैया एक एक पैकेट थोड़ा थोड़ा सा मेरे को यार पैक करके दे देना। बिल्कुल भाई साहब देंगे, वो आए थे अपने दिल से फूड। हाँ दिल से फूड भैया, दिल्ली से आए थे भैया, वो पहले तो आए थे कि यार मेरे को कहाँ पे गांव में लिया है, फिर जब वो यहाँ का माहौल देखे यहाँ के कस्टमरों से बात की और उन्होंने खुद ने खाया तो वो भी बोले कि यार मैं पहली बार खाया हूँ दिल्ली में तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं। वो बिल्कुल मजा आया था भाई साहब। तो भाई इन्होंने ये सारा आइटम डाल दिया है इसके अंदर, देख सकते हो आप ये दही डाल दी, प्याज डाल दिए, अब सिरी डालते हैं इसके अंदर। ये भेज आए अपना, ये लाहौर वाले पाए हैं अपने, लाहौरी पाए, क्या बात है।
तो भाई ये देखें भाई, पूरा सिरी पाया इसके अंदर डाल दिया है और भाई बड़ा ही मज़ेदार आज आइटम बनने वाला है। 2 किलो की सिरी है, 2 किलो की सिरी का ये रहता है, इसके अंदर बढ़िया शेल्फ अच्छा निकलता है दोस्तों। ये चेक करें भाई, भाई विनोद भाई जब ये बन के रेडी होगा ना, जब मजा आएगा। और गाइज मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी जो किचन में खुशबू आ रही है ना इनकी, ये देखें कुकर भाई, ये चेक करें आप, ये जो ये सीटियाँ लग रही है इनकी खुशबू से महक रहा है पूरा किचन इनका। ये चेक करो भाई, ग्रेवी देख लो, ये देखो रंगत अपने मसाले की, जो अपने सीक्रेट मसाले डालते हैं रंगत अलग हो जाती है। आज विनोद भैया बताई दो क्या क्या है उसमें। भाई ना बताऊंगा बाद में, बताऊंगा अभी। हालांकि गाइस है स्पाइसेस ही, सारे गरम मसाले हैं, बट क्या क्वांटिटी में है, क्या मेजरमेंट से डाले हुए हैं ना, वो एक सीक्रेट रहता है इनका यार। ये देखो भाई था, ये भी चेक करें यार, बाटी के साथ क्या जाएगा भाई, ये मजेदार डाले थे, ये मसाला में पक चुका, अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा और पकने के लिए पानी डालते हैं थोड़ा। कौन सा मसाला कब और कितना डलेगा बस, और सब बाकी अपने देसी काम है, बाकी तो बकरे का खेल है, बकरे का खेल है। और बकरे का खेल भी भाई साहब, अपनी भाई साहब नई दुकान खोले उनसे लेके आओ, तो फिर देखना आप कई जगह से लेके खाए होंगे, पर अपने भाई साहब की दुकान से भी लेके आओ, आपको बताए थे कत्ती बकरा, सादा बकरा, सब ढक्कन लगाते हैं, 4 सीटी लगवाएंगे इसके अंदर, 4 सीटी में रेडी रेडी। ये लगा दिए भाई साहब, भाई ये देखो भाई, मैंने आपको बताया ना धनिया दबा के डालते हैं, ये देखो एकदम फ्रेश धनिया। और गाइस प्याज की सफाई भी चेक कर लो यार, मान गए भाई, मतलब भाई काम कर रहे हैं ना तो बढ़िया ही कर रहे हैं। ये लो भाई साहब, ये बन के रेडी है, अपने पकने के बाद हर कस्टमर के पास यही कुकर जाता है, ऐसे ही कुकर जाता है। सिरी पाए, हाँ ये सिरी पाए भाई साहब, ये चेक करो भाई, सिरी पाए बन के एकदम रेडी हो चुके हैं, मजा आ जाएगा ना भाई। अरे भाई साहब खा के देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है। भाई साहब अपनी जो सिरी थी, कई जगह आप सिरी खाए होंगे, पर आज आप अपने पास खाना सिरी, ये मुंह की बड़ाई नहीं है, खा के देखने एक बजी, ये तो भेजा आ गया अपना, और ये लाहौर पाया पूरा, पाया फुल साइज ये देखो क्या बात, अब ये गलावट है ना, तो गलावट की वजह से सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, समझ गया तो जिन्हें बोलते हैं पाकिस्तानी पाए। अरे भाई साहब आज आप भारत के अंदर खाओ बैठ के आराम से, क्या बात है भाई विनोद भाई, ये देखो रोगन, मजेदार रोगन और ग्रेवी, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी। तो भाई ये बन चुके हैं, विनोद भैया ने स्पेशल बकरे के पाए बनाए, साथ में बाटी आ चुकी है भाइयों, और बाटी के साथ एक अभी फटाफट से इसको बताता हूँ उसका टेस्ट। ये चेक करें भाई, ये फाइनली बन के रेडी आइटम, और भाई ये देखो, ओए होए 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 भाई, ये बकरे का पाया है देख रहे हो आप, आ जाओ इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ रख लेता हूँ इसको, सीधे इस पर फोकस करें अपन पहले तो। भाई ये देखो किस तरह से टू ट्राई देख रहे हो, ओए होए 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 होए, एक नंबर है भाई, बिल्कुल भाई मैं आपको बोल रहा हूँ गाइज, जैसे पायों को तोड़वा के खाते हैं ना अपन, वो चीज़ तो भूल जाओ, इस तरह से खाओ, ये देखो भाई, ये देखो जेलेटिन, ओए होए 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 भाई, इसको खाने का तरीका यह है कि आप तो इस तरह से खाओ इसको, देखो दोस्तों सीधी पाई जब इस तरह से आपके दांतों से इस तरह से टूट जाए ना ये, तब आप ये मान लो कि ये तब पकाया साहब, समझ रहे आप, तब आता हूँ भाई मेरा तो मन ही नहीं करता ये बाटी खाने का, ऐसा का मन करता है इसी के साथ खाता था, ये देखो भाई, ये चेक करें भाई साहब, ये देख दो, जो नॉनवेज लवर है वही समझ सकता है आज क्या चीज़ बनी है। ये देखो भाई इस कदर गल चुका है, ये भेजा आराम से खुल रहा है, ये देखें आप, ओए होए 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 भाई, ये देखो, देखो ये चेक करें भाई, ये चेक करें यार, ये होता है गाइज़,
भेजा और इसको खाने का मजा नेक्स्ट लेवल। रोटी के साथ देखते हैं उसको, ये देखो रोटी है ना, और ये आ जाओ ग्रेवी। भाई ये जो चीज़ बनी है ना, मैं आपको सही बताऊं, ऐसा मैंने कभी खाया ही नहीं। ये देखो ये भेजा और साथ में लेते हैं ग्रेवी। ये देखो ये थोड़ी सी ग्रेवी ली मैंने और साथ में ये आपका बकरे का भेजा, साथ में ये देख रहे हो भाई। कई लोग तो खाने से कतराते हैं, बट यही चीज़ है भाई खाने की। एक्चुअली नॉनवेज खाना है ना तो यही खाओ। आप भी देख रहे हो कि भाई लगा पड़ा है भाई, ये चीज़ ही ऐसी है। आप भी यहाँ पे आने का प्लान बनाओ, लोकेशन नंबर वगैरह मैं आपको दे ही चुका हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।